गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी क्या है कि आज मैं कुछ अलग सा टेस्ट करने वाला हूँ, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। एक्चुअली आज से 2 महीने पहले मैंने ये कार खरीदी थी, दिस इज़ ग्रैंड i10 नियोस। स्पोर्ट्स वेरियंट है ये। ये पेट्रोल वेरियंट में है। अभी तक इसका हमने कोई स्पीड टेस्ट किया नहीं है और सारी ये गाड़ी ही लेके मैं हर जगह पहाड़ों पे भी जाता हूँ। तो अभी तक देखते हैं, अभी तक मैंने YouTube पे भी देखा नहीं कि किसी ने इसका स्पीड टेस्ट किया हो या कुछ भी ऐसा। तो 0 to 100 टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी एक्चुअली देखिए, मैं तो चलिए चलते हैं, फिर चलिए अब इसको लेके चलते हैं और टेस्ट करते हैं। गाइस देखा आपने, अराउंड 16 से 17 सेकेंड लग गए इसको 0 to 100 पहुंचने में। इससे हो सकता था कि 1-1.5 सेकेंड और पहले हो सकता था, बिकॉज मैंने एकदम हाई आरपीएम पे जाके उसको गियर चेंज नहीं किए थे, एकदम लिमिट पॉइंट पे जाके चेंज नहीं किए थे। तो 1.5-2 सेकेंड का आपको और मिल सकता है कि आप जल्दी पहुंच सकते हो। बट नॉर्मली अगर आप चलाते हो हाईवेज में तो ऐसे ही है, जो गियर शिफ्ट करते हो तो आपको नॉर्मली आपको 0 to 100 जाने में 16 से 17 सेकेंड्स लग जाएंगे इस कार में। सो ये गाड़ी, हाँ एक चीज़ के लिए तो श्योर है कि भगाने के लिए तो नहीं है, बट इन सिटी यूज़, और ऐसा नहीं है कि अंडर पावर है, ये चीज़ें एकदम भी नहीं है कि इस गाड़ी में दम नहीं है, ये नहीं है। एक्चुअली काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है, अपना बॉडी टू वेट रेशियो बहुत अच्छा मेंटेन करती है और लिटरली अच्छा है। बट वही है कि ये आपको, आप सोचते हो कि अगर इंस्टेंट, अगर ये उन गाड़ियों से कंपेयर कर ले जैसे फोर्ड फिगो, फ्री स्टाइल, ये तो दुनिया में मतलब ज़मीन आसमान में कभी भी आप सोच नहीं सकते कि अगर आप ये i10 नियोस लो और आप सोचो कि आप काफ़ी तेज चला लोगे इसको, ये पॉसिबल नहीं है। सो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे टेस्ट करना था कि हाँ एक्चुअली पहुँचती कितनी है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। ओके, मैनी मोर ट्रिप्स ऑन द वे गाइज, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।